मॉडरेट भी मिलेंगे और डिफिकल्ट भी मिलेंगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है तब जब आपको बेसिक नॉलेज की कमी होती है तो जितना ज्यादा हो सके बेसिक नॉलेज लें बेसिक कॉन्सेप्ट्स लें राइट तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने और इस क्वेश्चन को डिसंबर uh, टू में पूछा गया था राइट right? ये मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पर सेट वन आपको गिवन है दैट इज लेवल इंस्टीट्यूशन पे और सेट गिवन है फॉर्मल कंसर्न पे कि ये जो एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन है उनकी क्या फॉर्मल कंसर्न होंगे वो आपको मैच करना है हैं right? राइट और नीचे आपको कोड भी गिवन है सो so, आप यहां पर देख सकते हैं यूजीसी पूछा है ये आपका यूजीसी है नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड थर्ड है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन और लास्ट वन है आपका नेशनल असेसमेंट एंड काउंसिल दिस इज कॉल्ड एज राइट अब आपको यहां पर मैच करना है कि कौन किसके साथ अप्रोप्रिएट मैच होता है अगर यूजीसी की बात करते हैं ठीक है पहला आपके पास क्या UGC है यूजीसी है यूजीसी किसके साथ जाएगा एजुडिकेशन uh, बिल्कुल नहीं कोऑर्डिनेशन एंड रिकॉग्निशन की बात करें एंड क्वालिटी वो भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो वो तो टीचर एजुकेशन के साथ जाएगा है ना ये तो टीचर एजुकेशन के पास जा रहा है दिस वन वन आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड सो ये भी नहीं है आपका कोऑर्डिनेशन एंड क्वालिटी मेंटेनेंस इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन बिल्कुल किसी भी हायर एजुकेशन के जो भी इंस्टीट्यूशन है वहां पर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना और क्वालिटी मेंटेन करने का काम करता है कौन यूजीसी दिस इज वर यूजीसी अब देखो ए जो है वो थर्ड के साथ कहा जा रहा है तो ए जो है वो थर्ड के साथ आपके यहां पर जा रहा है ऑप्शन नंबर टू राइट एंड देन बात कर लेते यहां पर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन की बात हो रही है तो टेक्निकल रिकॉग्नेशन एंड क्वालिटी इश्यूज एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन टेक्निकल एजुकेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो भी इश्यूज लेकर आ रही होंगी टू एंड क्वालिटी उसी को हैंडल करेगा और बिल्कुल देखो यहां पर मैंने बिना देखे ही बताया ठीक है ये फोर्थ वाला है मैं आपको मैच करके बता रही हूँ टेक्निकल एजुकेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम को देखेगा टीचर एजुकेशन की बात करें ठीक है टीचर एजुकेशन आपका क्या करेगा सेकेंड वर् जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर कोऑर्डिनेशन रिकॉग्निशन क्वालिटी इश्यूज जो रिलेटेड होती हैं उसको सॉल्व करेगा तो बिल्कुल आप देख सकते हो जो थर्ड वाला है आपका वो सेकंड के साथ जा रहे हैं एंड देन एनएएसी का काम क्या होता है तो आपके पास बचा कौन पहला एडजुडिकेशन ऑफ लीगल मैटर्स इन एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं ये कोई वकालत वाला काम ये नहीं करता है डेफिनेटली आपके पास बचा कौन फिफ्थ वाला इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी इन डिटरमाइनिंग ग्रेड ऑफ एक्सी भाई सब कुछ ठीक से पढ़ाया जा रहा है क्वालिटी और ग्रेड ऑफ एक्सी को यह डिटरमाइन करने के लिए इवेल्युएशन लगाता है सो आपका करेक्ट आंसर हो गया क्या ऑप्शन नंबर टू राइट देन अब आगे बात करते हैं यूजीसी ने डिसंबर टू थाउजेंड एटीन में आगे ने पूछा है क्वेश्चन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंगज द फॉर्मल ऑथॉरिटी

स्टडी के प्रोग्राम्स क्रिएट किए गए उनको अप्रूव कर सके कि भाई वहां पर एक बार दिखाओगे अप्रूवल आएगा देन ओनली दे कैन प्रोसीड ओके तो ये क्या है कोर्सेस एंड प्रोग्राम्स जो हैं उसको चेक करना ठीक है और अगर सही है तो अप्रूव करना नहीं सही है तो डिसअप्रूव करना ये काम होता है अकेडमिक काउंसिल का राइट right? ये सारा काम अकेडमिक काउंसिल का होता है देन एक और क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग पे यूजीसी ने दिसंबर 2018 में ही पूछा गया था सेट वन आपको बता रहा है क्या स्टेज ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट ठीक है वैल्यू डेवलपमेंट वैल्यू के टाइप्स हैं और उनकी डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं एंड सेट टू कहता है आपको क्रिटिकल फीचर्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन अब हर एक स्टेजेस जो है वैल्यू डेवलपमेंट की उनके फीचर्स आपके सामने लगाए थे तो क्या क्या स्टेजेस होते हैं वैल्यू कलेक्शन वैल्यू value वैल्यू value and एंड लास्ट वन इज योर वैल्यू कंसोलिडेशन राइट अब देखो यहां पर क्या करना है आपको पहले ये चेक करो वैल्यू कलेक्शन कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना क्या जाएगा ये चेक करना है आपको प्रोवाइडिंग ऑपॉर्चुनिटी ऑफ इमिटेशन बिल्कुल नहीं ऑपॉर्चुनिटी नहीं देता कलेक्शन कैरेक्टराइजेशन थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज इंटीग्रेशन एंड कलेक्शन बोथ आर सेम थिंग ठीक है और वैल्यू कलेक्शन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज और वो इंटीग्रेशन मतलब पार्ट बाय पार्ट कोई चीज होगी उसको इकट्ठा करना कैरेक्टर character, कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से जिसका कैरेक्टर जिसके साथ मैच होता है यही होगा ना वैल्यू कलेक्शन अब देख लो ए के साथ सेकंड कहां पर जा रहा है ये ए हो गया ठीक है ए के साथ सेकंड आपका ऑप्शन नंबर थ्री में ही जा रहा है वैल्यू असेसमेंट वैल्यू असेसमेंट ऑप्शन नंबर थ्री के हिसाब से थर्ड कह रहे हैं प्रोवाइडिंग हिंट्स फॉर इनर इवेलुएशन जो इंटरनल चीजें उसको इवेलुएट करने के लिए ये एक तरीके का हिंट प्रोवाइड करता है बिल्कुल अगर असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट वगैरह कहते हैं ना असेसमेंट चेक करानी है असाइनमेंट जैसा ही असेसमेंट होता है कि आपने अपने साइड से कितनी मेहनत की और वो मेहनत होती है इनर इवेल्युएशन इंटरनली वो अपने हिसाब से आप मेहनत कर रहे होते हो राइट right? तो डेफिनेटली मैच होता है ये थर्ड वाले के साथ नेक्स्ट स्टेप का वैल्यू क्लैरिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर थ्री वैल्यू क्लैरिफिकेशन वन के साथ जा रहा है क्लैरिफाई करना ठीक है दैट मीन्स प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इमिटेशन अपॉर्चुनिटी देंगे तभी तो क्लैरिफाई होगा है ना uh, मौका दिया अगर आप उस पर खड़े उतरे क्लैरिफाइड राइट सो ये हो गया सी के साथ एंड वैल्यू कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन फोर्थ बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर थ्री एक्सपोजर टू अदर वैल्यूज ठीक है और बाकी वैल्यूज को भी चेक करना डेफिनेटली ये जाएगा डी के साथ तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इन यूजीसी ने थाउजेंड 2018 फॉर परसुइंग अ पीएचडी प्रोग्राम ठीक है थ्रू आर यूनिवर्सिटी सिस्टम जो भी हमारी यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसके हिसाब से अगर हम परस्यू uh, करें पीएचडी प्रोग्राम को देन वट हैज बिकम अडेटरी प्रोविजन ना तो अकॉर्डिंग टू आर यूनिवर्सिटी सिस्टम जो भी पी एच डी प्रोग्राम को परस्यू कर रहे हैं उनके लिए कौन सा प्रोविजन आज के वक्त में बहुत ही मैंनेडेटरी है अनिवार्य है ठीक है गाइडेंस फ्रॉम अ सुपरवाइजर आउटसाइड द यूनिवर्सिटी कंपलसरी अटेंडेंस फॉर थ्री ईयर्स कोर्स वर्क या फिर एनरोलमेंट फॉर पी एच डी अब देखो यहां पर मैं आपको एलिमिनेशन मैथ बताऊंगी एलिमिनेट करते जाओ पता चल जाएगा पहली बात तो ये एनरोलमेंट फॉर पीएचडी भाई वो ऑलरेडी परस्यू कर रहा है वहां पर एनरोलमेंट फॉर पीएचडी का कोई मैटर बनता है क्या ये तो वही मजाक वाली बात हो गई है ना तो ये तो नहीं होगा कंपल्सरी अटेंडेंस फॉर थ्री इयर्स देखो अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है बट पूरा का पूरा अटेंडेंस हो वो जरूरी नहीं है गाइडेंस फ्रॉम अ सुपरवाइजर आउटसाइड द यूनिवर्सिटी ये क्या हो गई ये ऑप्शनल बातें हो गई गाइडेंस अगर मिल जाती है आउटसाइड यूनिवर्सिटी से ठीक है लेकिन अगर मैंडेटरी प्रोविजन की बात करें तो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं डेफिनेटली कोर्स वर्क जो भी उनको कोर्स वर्क प्रोवाइड किया जा रहा है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए एज पर द टाइम होना चाहिए और बिल्कुल इनोवेटिव होना चाहिए सो ऑप्शन नंबर थ्री विल बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट है दिस क्वेश्चन आज डेन यूजीसी जिसनेट जुलाई टू प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्टूडेंट परसुइंग पी एच डी प्रोग्राम इन वॉट मतलब अगेन ये क्वेश्चन पीएचडी प्रोग्राम पे ही है जो स्टूडेंट पी एच डी प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं वो कौन से कॉलेज के स्टूडेंट होंगे जहां पर प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप भी प्रोवाइड किया जाता है राइट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और ये ऑप्शन नंबर वन में आप देख सकते हैं आई आई एस सी आई आई टीज एन आई टी आई आई एस या फिर आई 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 ट्रीज ठीक है ट्रिपल आई टीज ठीक है किसमें होगा तो ये सिर्फ हर एक में नहीं हो एक बात याद रखिएगा हर एक चीज में तो ये चीज मिल नहीं सकती है ना बहुत बड़ी चीज है रिसर्च फेलोशिप है ना प्राइम मिनिस्टर अगेन यहाँ पर भी कई सारी चीजें हैं अब जो कंफ्यूजन होती है वो दो चीजों में रहते हैं स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होगा या आई आई टीज एंड आई आई एस सीज में अगेन बहुत क्लियर आंसर है स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करो बहुत सारी आ जाती हैं सभी पे मिल जाएंगी क्या नहीं और सेंट्रल में तो समझ लो सारी कई सारी तो ये भी एलिमिनेट होता है तो बचा क्या आई आई एस में ही सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप पीएचडी प्रोग्राम परस्यू करने वाले स्टूडेंट को मिलती है और वो करते हैं इस रिसर्च फेलोशिप को कंट्रोल कंप्लीट राइट क्लियर है अब नेक्स्ट आ जाते हैं एक और चीज है ये जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है ना ये एक तरीके से टैलेंट पूल क्रिएट करता है ठीक है एक टैलेंट पूल क्रिएट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है ये बात जरूर याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजीसी ने जुलाई 2018 में ही पूछा वो क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और यही क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी हो जाते हैं और जिनका पॉइंट्स क्लियर है उनके लिए इजी बन जाते हैं तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपकी नॉलेज कैसी है राइट नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन जेंडर बजटिंग ठीक है यहां पर ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगी और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी क्लियर करूंगी सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट जेंडर बजटिंग एक पॉइंट कहना चाहूंगी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये चीजें जरूर ध्यान से पड़े करेक्ट पूछा है नॉट करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है वो चीजें ध्यान से देखें ठीक है जेंडर बजटिंग के हिसाब से जो चीजें सही है वो स्टेटमेंट आपको इन चारों में से सही फाइंड आउट करना है सो so, देखो इट इज अ सेपरेट बजट एड्रेसिंग स्पेसिफिक नीड्स ऑफ वुमेन मतलब एक तरीके से अलग से बजट है जो कि सिर्फ और सिर्फ वुमेन के नीड्स के हिसाब से बताता है इट इज एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज है या फिर इट अज द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट ऑन वुमन वुमन के ऊपर गवर्नमेंट बजट का क्या इंपैक्ट है या फिर इट इज अनदर बजटिंग एनोवेशन क्या करेक्ट है तो देखो जो जेंडर बजटिंग है जेंडर से ही पता चल रहा मेल को हमेशा से सही मायने में बजट मिल जाता है स्टडी के लिए या फिर जिस भी पर्पज के लिए पर फीमेल को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है और आज काफी सुधार भी हुआ है सो इट इज एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज एग्जैक्टली नॉट ठीक है ये तो नहीं होगा सभी के लिए नहीं है इट असेज द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट ऑन वुमन इट इज अप्रोप्रिएट एंड इट इजर बजटिंग इनोवेशन क्योंकि अलग से वुमन के इम्पैक्ट को लेकर चलता है तो ये बजटिंग इनोवेशन सो करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर फोर दैट इज बी एंड डी राइट अब जरा जेंडर बजे देख लो इसका बेसिकली जो एम होता है एट ब्रिंगिंग इन जेंडर क्वालिटी जेंडर क्वालिटी को ब्रिंग करता है ये इन एलोकेशन ऑफ पब्लिक फंड्स थ्रू फंडग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट्स इम्प्लीकेशन फॉर वुमन एम्पावरमेंट जो नारी जागरूकता को लेकर एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड दिस प्रोसेस ड्रीव टू क्रिएट सेपरेट और स्पेसिफिक बजट क्वायर मोर मनी फॉर वुमेन ऐसा नहीं कि सेपरेट से हम कोई बजट बनाएंगे या मनी के लिए जो वुमेन के लिए एक्स्ट्रा मनी वो जरूरत है बिल्कुल नहीं जितना है उतने का हक मिले वो बात है ठीक है हियर द एम इज टू इंश्योर अ फेयर जस्ट एंड एफिशियंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेस मतलब पूरा का पूरा मेल को ना मिल जाए या पूरा का पूरा वुमेन को ना मिल जाए क्योंकि यहाँ पर हमारे समाज में एक धार, एक धारणा बनी हुई है कि मेल uh, को देना है तो उस बात को काटना है कि ऐसा होता है ना एटी परसेंट मेल को जाएगा तो ट्वेंटी परसेंट फीमेल को नहीं यहाँ पर इक्वालिटी को लेकर चलता है राइट एंड जेंडर रिस्पॉन्सविथ बजटिंग ठीक है इज अ फिजिकल इनोवेशन इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है इसी को हम एक इनोवेशन कह रहे हैं एंड दैट इज वाई मैंने ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट किया था जी आर बी दैट इज जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग ठीक है अब यहां पे इनोवेशन किस तरीके से कह सकते हैं अ वे ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ अंसेप्ट इन टू टेंजिबल प्रोसेसिस रिसोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इनोवेशन का मतलब क्या है एक जरिया जिसके जरिए हम नए कॉन्सेप्ट को ट्रांसफॉर्म कर सके टेंजिबल प्रोसेस में जिसको हम एक्चुअली कर पा रहे हैं ठीक है इन विच अ बेनिफिट मीट्स आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम हमें निकल कर आई उसको बेनिफिट मिल सके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आस्ट इन यूजीसी नेट जुलाई 2018 एंड दिस इज अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यू कैन से स्टेटमेंट बेस्ड ठीक है मतलब मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने हैं आपको यहां पर दो भी सही हो सकता है तीन भी सही हो सकता है चार भी सही हो सकता है, भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है सो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज अ पर जो किसी भी कॉमिटी का मेंबर है बहुत सारे कमेटी के मेंबर में से ठीक है जो लीडर होता है अपोजिशन का वो क्या सिलेक्ट कर सकता है द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर कमीशन या फिर द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमन क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर ये आपको यहां पर फाइंड आउट करना अब देखो यहां पर कोई जेंडर वाली बात हो रही है क्या नहीं, है ना यहाँ पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बात हो रही है जो कि मेंबर ऑफ कॉमिटीज है तो वो क्या सिलेक्ट कर सकता है तो देखो ये वुमन वाली बात तो आएगी नहीं है ना ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी हो सकता है सिलेक्ट कर सकता है द चेयर द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर भी हो सकता है एंड द पर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सो ए बी सी कहां पर है ऑप्शन नंबर वन सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आज यूजीसी टू जुलाई 2018 और ये क्वेश्चन क्या है एंड दिस क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी भी कि सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं सो so आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बैरियर मतलब रुकावट किसके लिए सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया में उनके लिए रुकावट कौन कौन पैदा कर रहा है चार स्टेटमेंट है डेफिनेटली जो नेगेटिव होगा वही आंसर होगा क्योंकि बैरियर नेगेटिविटी ही करती है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जहां पर लोगों को सिटीजन के मद्देनजर रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है उसकी बात हो रही है तो पहला चेक कर लो क्या वो नेगेटिव है तो वही बैरियर होगा वुडन एंड इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड ऑफ द सिविल सर्वेंट क्या ये आंसर हो सकता है या फिर इन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड रूल्स या फिर अवेयरनेस ऑफ एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफ या फिर लैक जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ तो ये चार स्टेटमेंट आपके सामने यहां पर दिए हुए ठीक है आपको चेक करना है कि कौन सा यहां पर चलेगा और कौन सा यहां पर नहीं चलेगा बैरियर्स मैंने अगेन आपको बताया कि जो नेगेटिविटी कर रहे हैं सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ठीक है जो सिविल सर्विसेज uh, कर रहे होते हैं राइट right? उनका बहुत ही कड़ा और इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड जो है वो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरीके से रुकावट कर रहा है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एब्सोल्युटली कर रहा है है ना मिसबिहेवियर एक तरीके से हो रही है इन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड रूल्स जो रूल्स और लॉज बने हुए हैं वो बन तो गए हैं बट वो क्या वैसे ही फॉलो किए जा रहे हैं या फिर कुछ लोग उस रूल्स और लॉज को बिल्कुल मानकर चल रहे हैं और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं मान के चल रहे मतलब इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है तो ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम है राइट राइट एंड ड्यूटीज जो है सिटीजन की उसकी अवेयरनेस है तो वो तो अच्छी बात है ना तो वो तो आंसर हो नहीं सकता लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज एक अलग मायने में बात है ठीक है ये बैरियर्स नहीं हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर तो यहां पर ए और बी कहां पर ऑप्शन नंबर थ्री सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर राइट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन अगेन यूजीसी ने जुलाई 2018 में पूछा हुआ है इंडिया हैज द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड ठीक है इंडिया जो है पूरी दुनिया भर में इसका हाई, जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो लार्जेस्ट है बट किसके बाद इससे ऊपर और कौन कौन सी कंट्रीज है वो आपको फाइंड आउट करना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दैट इज यूएसए चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम तो इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनका हायर एजुकेशन सिस्टम इंडिया से भी ऊपर है राइट right? तो डेफिनेटली एक यूएसए का है ये तो मान के चलो है ना यूएसए का है और ये देख सकते हैं हर एक ऑप्शन में यूएसए है एक और बात चाइना भी हर एक ऑप्शन में है है ना ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम नहीं है ऊपर ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट और चाइना आउट ऑफ दिस फोर इफ यू टॉक अबाउट ठीक है ये दोनों जो है इन दोनों कंट्रीज का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया से भी ऊपर है सो करेक्ट आंसर विल बी योर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थ्री दिस क्वेश्चन आज इन यूजीसी ने टू थाउजेंड सेवेंटीन फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज रिसीव्ड द विजिटर्स अवार्ड ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन फेबर टू थाउजेंड से फरवरी दो हजार सत्रह में इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है ठीक है कौन सी बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि विजिटर्स अवार्ड रिसीव कर चुकी है राइट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तेजपुर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सो so वेरी क्लियर आंसर है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिसको जे भी कहते हैं एंड बिल्कुल आप जानते हैं ये सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है और आज भी चलता आ रहा है और यहाँ पे काफी कुछ हमेशा न्यूज में ये प्रख्यात ही रहता है है ना सो so, ये रहा इसका आंसर अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं सो so, एनुअल विजिटर्स एवॉर्ड फॉर द बेस्ट यूनिवर्सिटी दो हजार फरवरी दो में मिला डॉक्टर दीपक पंत फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश उन्होंने भी विजिटर्स अवार्ड पाया फॉर इनोवेशन ये बेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए जेएनयू ने पाया था और दीपक पंत जो है डॉक्टर दीपक पंत सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश उन्होंने इनोवेशन के लिए पाया वाय विजिटर्स अवार्ड फॉर रिसर्च भी मिला है श्याम सुंदर जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से थे ये मैंने नाम आपको इसलिए बताया कि हो सकता है निरंजन करक तेजपुर यूनिवर्सिटी मतलब प्रोफेसर निरंजन करक जो तेजपुर यूनिवर्सिटी से है एंड डॉक्टर श्याम सुंदर जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से दोनों को ज्वाइंटली विजिटर्स अवार्ड फॉर रिसर्च मिला है खर्जी जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं ठीक है विजिटर्स अवॉर्ड फॉर दर टू थाउजेंड सेल्ड एट राष्ट्रपति भवन राइट जो की सिक्स ऑफ मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन में बोला हुआ था ठीक है तो इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया एंड एज दार्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड गिव अवे अवॉर्ड टू जे एन यू वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार फॉर बेस्ट यूनिवर्सिटी तो जो लिया था जिन्होंने अवार्ड वो जेएनयू के वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार को ये अवार्ड मिला राइट नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आज इन यूजीसी नेट नवंबर 2017 थाउजेंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रैंक्ड द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री 2017 थाउजेंड एज पर देशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क दैट इज एन ठीक है तो इनमें से कौन से कॉलेज को ठीक है कंट्री में पूरे कंट्री की बात करें तो इनमें से कौन से कॉलेज को 2017 में बेस्ट uh, कॉलेज का रैंक दिया गया था बाय एन इसका फुल फॉर्म याद रखें समटाइम्स पूछ किया जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रहेगा एनआई मतलब रैंकिंग फ्रेमवर्क सो जो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मरिंडा हाउस ठीक है मिरिंडा हाउस जो है वो है इसमें करेक्ट आंसर ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन यूजीसी नेट नवंबर 2017 में अगेन पूछा क्वेश्चन है है ये भी स्टेटमेंट बेस्ड ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया इंडिया में हायर एजुकेशन लाया गया तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हायर एजुकेशन लाएंगे तो इंडिया में क्या क्या चीजें नई चीजें और पॉजिटिव चीजें आ सकती हैं सो छह पॉइंट्स आपको दिए हुए इनमें से कौन सा पॉइंट फॉलो करेगा ये आपको फाइंड आउट करना है तो हायर एजुकेशन का बेसिकली गोल था अस सब तक पहुंचे एब्सोल्युटली इक्विटी सब तक पहुंचे और मतलब कोई कास्टिज्म नहीं है कोई जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं सबको मिले चाहे वो किसी भी कास्ट का हो किसी भी जात का हो किसी भी धर्म का हो ठीक है क्वालिटी ऑफ एक्सीलेंस क्वालिटी एंड एक्सीलेंस मतलब एजुकेशन मिल रही है तो क्वालिटी एजुकेशन मिले कि आप पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं ठीक है रेलिवेंस जो आपका सिलेबस है उससे जुड़ा हुआ भी होना चाहिए इनरेलीवेंट चीजें नहीं होनी चाहिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मिलनी चाहिए तभी आप ह्यूमन वैल्यूज को समझें बट कंपल्सरी इन फ्री एजुकेशन जो है ये एक स्ट्रेटेजी है हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाने का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है राइट सो ए से लेकर ई e तक कहां पर है तो दैट इज इन ऑप्शन नंबर टू सो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन यूजीसी नेट नवंबर 2017 में अगेन पूछा हुआ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स विद इन द द ऑफ टर्म करप्शन इनमें से कौन सा टर्म है आ, कौन से सेंटेंस है जो कि करप्शन को डिफाइन कर पा रहे करप्शन के अंतर्गत अगर कोई है तो इनमें से कौन कौन सा एक्शन वो फॉलो करेगा ठीक है मिस यूज ऑफ ऑफिशियल पोजिशन बिल्कुल अब किसी को कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया है अपने पूरे खानदान का एडमिशन करा रहे हैं है ना कम पैसे में करवा रहे हैं तो ये पोजीशन का ही misuse, misuse हुआ मैंने एक एग्जांपल दिया ताकि आप समझें तो तो ये तो होगा है ना देन डेविएशन फ्रॉम रूल्स लॉज एंड नॉर्म्स जो भी किसी भी किसी जगह पे अब जैसे मैंने प्रिंसिपल का एग्जाम्पल लिया ठीक है तो कॉलेज के कुछ रूल्स होंगे कुछ लॉज एंड नॉर्म्स होंगे कि भाई किसी भी कैंडिडेट का एडमिशन होना चाहिए तो उसके इतने मार्क्स होने चाहिए ये उसकी एक्टिविटीज होनी चाहिए बहुत सारे रूल्स होंगे बट उसने अपने फैमिली मेंबर्स की कम कॉस्ट में एडमिशन करा दी है ना तो इसका मतलब रूल्स लॉज एंड नॉर्म्स को तो तोड़ा ही तोड़ा एब्सोल्यूट है ना तो ऑप्शन नंबर बी भी हो गया तो ए और बी दोनों दैट ये तो अकेला होगा नहीं आगे चेक करते हैं आगे चेक करते हैं नॉन एक्शन वेन एक्शन इज रिक्वायर्ड बिल्कुल करप्शन का मतलब हम ये भी कह सकते हैं लाइक like मान लो कि किसी एक पर्सन ने बहुत ज्यादा गलत काम किया है ठीक है और उसने अपने आसपास के लोगों को पैसे दे दिए कि भाई मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं मैंने जो भी गलत किया है वो किसी के सामने मत बोलना तो जब एक्शन लेने की जरूरत एक्शन नहीं लिया क्योंकि उसको करप्शन है है ना तो ये भी फॉलो होगा मतलब ए बी सी तो फॉलो हो रहा है अकेला ए बी डी तो नहीं हो रहा है, है ना ए बी से भी ज्यादा हो चुका है सी भी फॉलो हो रहा है मतलब डी भी करेगा हार्म टू पब्लिक गुड जो पब्लिक गुड है जिसपे सबका हर, हक है उसको हार्म पहुंचाना ये भी है, है ना? तो ये चारों चीजें ही फॉलो होंगी पढ़ाई कि ऑफिशियल पोजीशन और अथॉरिटी जो भी आपको मिली हुई है उसका मिसयूज करना रूल्स लॉज एंड नॉर्म्स को डेविएट करना मतलब तोड़ना जब एक्शन की जरूरत हो और एक्शन ना लेना शांत बैठ जाना कायोरों की तरह पर्सनल गेन फॉर सेल्फिश मोटिव बिल्कुल अपने मोटिव को फुलफिल करने के लिए अपना फायदा लेने के लिए हम करप्शन का यूज करते हैं है ना बिल्कुल ये चीजें होती है करप्शन मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है नॉन मॉनेटरी फॉर्म में पैसे देकर भी कोई कर सकता है किसी ने किसी को घर ही दे दिया गिफ्ट में ठीक है तो अलग अलग फॉर्म में करप्शन दिए जा सकते हैं हार्म टू पब्लिक गुड अभी हमने पढ़ा ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आज इन यूजीसी नेट नवंबर टू Who among the following can be removed by the president without parliament's resolution? Out of these four, कौन है जिसको president बिना parliament से suggestion या resolution लिए बिना अपनी मंजूरी के हिसाब से ठीक है आ, उसको remove कर सकता है उसकी position से governor of a state, chief election commissioner, comptroller and auditor general. या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है तो देखो मैंने आपको बताया गवर्नर के बारे में पहले बताया कि गवर्नर जो है वो भले ही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करता है ठीक है वर्किंग इसकी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती है लिख देती हूँ लेकिन जो कंट्रोल होता है ना वो इसका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है जो भी कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है गवर्नर सीधे जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज प्रेसिडेंट को जाकर इन्फॉर्म कर सकता है और शिकायत कंप्लेन दाखिल करा सकता है और इस गवर्नर के ऊपर एक तरीके से प्रेसिडेंट जो है उस पर उसका पूरा पर्सनल हक होता है एक तरीके से सो इसी को ये रिमूव कर सकते हैं बिना पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन लिए हुए साथ ही मैं प्रेसिडेंट की बात कर तो इसी तरीके से और किन को ये हटा सकते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी हटाया जा सकता है बिना पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी ये अपने रेजोल्यूशन के हिसाब से हटा सकते हैं प्रेसिडेंट जो है एक तरीके से हम कहें तो ये एक सुप्रीम कमांडर इन चीफ होते हैं आर्मी के तो अभी पूछा जाए क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजीसी ने दिसंबर 2019 में पूछा गया अगेन ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है द मेजर बैरियर्स फॉर higher टू हायर एजुकेशन इन इंडिया आर वायर एजुकेशन इंडिया में आ तो चुका है लेकिन सभी तक ये नहीं पहुंच पा रहा है कुछ रुकावटें आ रही वो रुकावटें क्या है आउट ऑफ दिस सिक्स यू हैव टू फाइंड आउट राइट right? सो so, देखो मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर लेस एजुकेटेड मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है एम्प्लॉयमेंट की लेकिन उनको मिल रही है जो कम पढ़े लिखे हैं तो ऐसा कुछ तो नहीं है आजकल उनको भी कहां मिल रही है मिल जाए वो भी तो चलेगा ना गवर्नमेंट पॉलिसीज डेफिनेटली गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है ये बहुत बड़ा बैरियर बनाई हुई है लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सभी लोग का अलग अलग लैंग्वेज होने के कारण दे कांट कोऑर्डिनेट टू अदर राइट तो ये एक प्रॉब्लम है बी एन सी पर है ए तो नहीं है यहाँ पर तो ये तो नहीं होगा बी एन सी यहां पर है ये पॉसिबिलिटी है बी एन सी एक तरीके से देखे जाए तो एक मिनट लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन हाँ एक और बात है यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात कर लें तो ये ये देखो अगर इस स्टेट के अंदर की बात करें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी इस मिस्टेक मैंने आपको ये बता दिया Language of instruction नहीं होगा राइट लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जब हम सेंट्रल लेवल में बात करें तब आ सकता है बट हां स्टेट गवर्नमेंट है अपने पास वो इस प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो ये नहीं आएगा सिर्फ और सिर्फ बी की बात कर रहे हैं राइट right? हाँ, और ए तो नहीं है तो जहां, जहां पर ए वो तो हटाएंगे ऑप्शन नंबर एक गया Then, आगे बात कर लेते हैं अब सी भी नहीं है सी कहां, कहां पे है तो आप देख सकते हैं चलिए यहां पर आप देखें एक मिनट एक गड़बड़ हो गई है इसको हम यहाँ पे रिमूव करते हैं अरे ठीक से काम नहीं कर रहा है इसको रिमूव करते हैं इस तरीके से हाँ जी बैरियर्स की बात हो रही है मेजर बैरियर्स की बात हो रही है हायर एजुकेशन तक पहुंचने की राइट right? एक बार ध्यान से देखिएगा जो एम्प्लॉयमेंट है ये ए वाला ऑप्शन तो कहीं पे भी नहीं होगा राइट right? तो ये हम इसको इसको यहां से हटा देते हैं अब देखो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी इसके कारण हो रही है है ना कि गर्ल्स को नहीं मिलेगी जॉब बॉयज को मिलेगी तो एफ तो है अब एफ कहां कहां पर है थ्री और फोर में ही है मतलब ये दोनों गए अब हम सी और डी को चेक करेंगे और ई e को चेक करेंगे ठीक है सी को चेक करो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन यस लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्योंकि हमें यहाँ पर क्या सोचना है पूरे हिसाब से सोचना है ठीक है पूरे तरीके से सोचना है सेंट्रल और गवर्नमेंट uh, दोनों के हिसाब से सोचना है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के हिसाब से तो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है ठीक है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे क्योंकि जो हायर एजुकेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हायर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया हुआ भी में राइट right. तो ये एक प्रॉब्लम है जब सी और सी uh, भी प्रॉब्लम है और एफ भी प्रॉब्लम है तो बचा क्या डी गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है हर एक गवर्नमेंट पॉलिसीज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो इसलिए ये नहीं जाएगा इकोनॉमिक स्टेटस ठीक है कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज हम Uh, हम चाहते हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज के सब कंपीट करें ठीक है बट हमारी इकोनॉमिक स्टेटस कहीं ना कहीं वीक पड़ जाती है तो ये भी एक बैरियर है तो सी डी एफ विल बी योर करेक्ट आंसर राइट एक्चुअली यहां पर ऑप्शन हाँ एक और चीज ये बाई मिस्टेक ई यहाँ पर आ गया इकोनॉमिक स्टेटस अलग हो गया कॉम्पिटिशन फ्रॉम फॉरन यूनिवर्सिटीज ये बाय मिस्टेक यहाँ ऊपर आ गया इसीलिए गड़बड़ हो रही थी बट डोंट वरी इकोनॉमिक स्टेटस ज्यादा प्रॉब्लम है तब जाके हमें कॉम्पिटिशन फ्रॉम फॉरन यूनिवर्सिटी वाली प्रॉब्लम आएगी ना इकोनॉमिक स्टेटस होगा तभी तो हम कॉम्पीट कर पाएंगे तो हम इसलिए डी वाले को कंसिडर करेंगे ऑप्शन नंबर थ्री विल बी येक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजीसी नेट डिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन का यहां पर आपको बताना है इंडियन कॉन्टे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है राइट ऑटोनोमस कॉलेजेस कैन ग्रांट डिग्रीज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज जो ऑटोनोमस कॉलेजेस होते हैं वो uh, एक तरीके से यूनिवर्सिटीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते डिग्री के लिए बिल्कुल हर एक कॉलेज की यूनिवर्सिटी होती है है ना चाहे वो ऑटोमोनोमस ही क्यों ना हो तो ये तो रॉन्ग हो गया ऑटोनोमस कॉलेज कैन ग्रांट ओनली बैचलर्स डिग्री इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज बिल्कुल नहीं किसी भी डिग्री को वो नहीं ग्रांट कर सकते हैं बिना यूनिवर्सिटी के एक्सेप्ट डॉक्टर डिग्री ऑल अदर डिग्रीज एंड डिप्लोमा कैन बी ग्रांटेड बाई ऑटोनोमस कॉलेजेस अगेन किसी भी तरीके की आप डिग्री को नहीं कर सकते चाहे डॉक्टरल और कोई भी हो तो ये रॉन्ग वट एवर मे बी द डिग्री और डिप्लोमा ऑटोनोमस कॉलेजेस कैन अंडर ग्रांट द अंडर देयर ओन नेम बट अंडर सील ऑफ एन एफिलेटेड यूनिवर्सिटी डेफिनेटली अपना नाम चढ़ा सकते हैं लेकिन कुछ भी चीजें करानी है तो उसके लिए अपने का सील चाहिए ही होगा तो फोर्थ विल बी ऑर करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन यूजीसी ने डिसंबर टू का ही है रूसा पे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान दैट इज रूसा एम्स टू अचीव द फॉलोइंग इन हायर एजुकेशन सिस्टम इसका मेन एम क्या होता है हमने क्यों राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान बनाया ठीक है इक्विटी परसेंट जीईर या फिर एक्सीलेंस ठीक है तो आप देख सकते हैं कोई तीन ही आंसर यहाँ पे लगेंगे बहुत ही आराम से आप आंसर कर सकते हैं देखो राष्ट्रीय मतलब पूरे के पूरे नेशन की बात हो रही है उच्चतर दैट मीन की हायर एजुकेशन सिस्टम ठीक है ये हमने बनाए इसलिए ताकि सबको मिले इक्वेलिटी के साथ सभी लोग तक पहुंच सके और अच्छा मिले ठीक है तो बी ए बी डी विल बी योर करेक्ट आंसर सो ए बी डी इज देयर ऑप्शन नंबर थ्री विल बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट है यूजीसी नेट जनवरी 2017 का क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर डी मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन ग्लोबलाइजेशन मतलब कि अगर हम यूनिवर्सलाइजेशन करते हैं हाइयर एजुकेशन का तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है डिमेरिट्स मतलब कि हम कह सकते हैं कि क्या रुकावटें आ सकती है राइट right. सो so यहां पर आप देखें मतलब अगेन हमें नेगेटिव ही देखना है, है ना ग्लोबल अगर हम कर दे रहे हैं तो एक्सपोजर टू ग्लोबल करिकुलम मतलब एक तरीके से हमें वहां पर अगर हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया मतलब सभी तक ये पहुंच रहा है यूनिवर्सल हो गया है तो इसका मतलब ये है कि हमें इसके करिकुलम को भी ग्लोबल बना ग्लोबल बनाना पड़ेगा और ये नहीं हो पा रहा है है ना ये चीजें नहीं हो पा रही हमने ग्लोबल कर दिया लेकिन एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं राइट देन प्रमोशन ऑफ एलिटिज्म इन एजुकेशन मतलब कि एजुकेशन जो है एक तरीके से हम इसकी प्रमोशन ऐसे करें कि ये हर जगह तक पहुंचे ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट है क्या एजुकेशन तो ये तो अच्छा है तो ये डीमेरिट तो हो नहीं सकता मतलब ये आपका है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर होगा रॉन्ग चीज ही तो आंसर है यहाँ पर कमोडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन को एक तरीके से हम है ना अगेन कह सकते हैं इंपॉर्टेंट लेके चल रहे हैं मतलब एक तरीके से हम उसको अलग अलग उसकी कमोडिटी बना रहे हैं मतलब कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना दैट इज कमोडिफिकेशन तो ये तो सही चीज है इंक्रीज इन ऑफ एजुकेशन ये एक तरीके का डिमेरिट हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन के कारण तो ये दो चीजें जो है डिमेरिट है तो नीति आयोग इट इज अस्टिट्यूशन बॉडी और इट इज अस्टेटरी बॉडी और इट इज नीदर अल बॉडी नॉट अ स्टेटरी बॉडी और इट इज अ थिंग टाइम तो क्या करेक्ट आंसर होगा जब आपको कंफ्यूजन हो बहुत ज्यादा एक बात तो मानते हो ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये थिंक टैंक कहलाती है नीति आयोग तो डी कहां कहां पर है तो डी तो भाई सभी में है अब एक बात याद रखो नीति आयोग जो है जो है अब देखो यहां पर जो आंसर है ना वो किस तरीके से आप देख सकते हैं स्टेटरी बॉडी है और यहां पे कह रहे स्टेटरी बॉडी नहीं है क्या बी और सी साथ में लग सकते हैं याद रखिएगा नहीं तो ये नहीं होगा राइट और इट इज अ थिंक टैंक तो है अब बात यह जाती है कि दोनों पॉइंट के बारे में हमें यही आंसर मिली है कि नीति आयोग कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है राइट अगर कोई मिनिस्टर अपना गोल टारगेट अचीव नहीं कर पाता है तो ये उसको पनिश भी नहीं कर सकती है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है साथ ही साथ ये स्टेटरी बॉडी भी नहीं है राइट सो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज सी डी हो जाता है सो so, आपने देखा कि यहाँ पे मैंने आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन इजी भी बताया मॉडरेट भी बताया मॉडरेट क्वेश्चन डिफिकल्ट तब हो जाते हैं जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं ठीक है तो कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर करें आपने देखा यहाँ पे मैंने आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बताया मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन भी बताए आपको एमसीक्यू uh, भी हो गया ठीक है ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करवाए हैं क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं सो यूजफुल टिप्स यही है कि जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करें पहले अपना गोल ये बनाएं कि आपका क्वेश्चन जो है वो लास्ट फाइव ईयर जो अभी है उनको सॉल्व करें देन उसके बाद लास्ट टेन ईयर पे जाए राइट तो इस तरीके से क्या है कि आपके पास क्वेश्चन की कमी नहीं होगी प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से होती रहेगी सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो थैंक यू फॉर वाचिंग पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें